सर आपने इस देश की सबसे टैलेंटेड सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, चाहे वो श्रीदेवी जी हो या वो जया प्रथा जी हो या वो रीना जी हो। तो सर आपको कैसा लगेगा अगर आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस एक साथ इस मंच पे आए आपसे मिलने? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आ रही हैं जितेंद्र सर की लीडिंग लेडी। सोनाक्षी की मम्मा इतनी प्यारी नागिन लग रही है। दसने के लिए तैयार। अरे दिबुष्मिता की मम्मा आपके जया जी बनी है क्या? रीना जी का वो सॉन्ग शीशा हो या दिल हो, उससे मैं इतनी इंस्पायर्ड हूँ। इट वॉज माई ड्रीम। सर आई एम योर ह्यूज फैन, ह्यूज फैन, ह्यूज फैन सर। आई मस्ट से जी सिंसियरली एंड जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ दिस शो टुडे। सो स्वीट। इट डजंट एंड देयर। एंड द आइसिंग वाज दिस। व्हाट अ स्पिरिट। लेट अस गिव अ बिग हैंड टू एवरीवन। सर थैंक यू। हमारे फेवरेट जीतू जी के साथ एक फोटो चाहते हैं हम। तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। हमारी मम्मियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, पापा शिवम और शेजूती दास। Yeah.
देखे जवानी के रेले देखे हसीनों के मेले देखे दिल पे ओ, 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 तू ही छा गया देखे उसन के लदाने देखे इन्हें के बहाने देखे दिल में जो तू आ गया हो जो तू आ गया अरे नैनों में सपना सपनों में सजना सजना पे दिल आ गया क्यों सजना पे दिल आ गया अरे नैनों में सपना सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया क्यों सजनी पे दिल आ गया क्यों सजना पे दिल आ गया क्यों सजनी पे दिल आ गया क्यों सजना पे दिल आ गया क्यों सजनी पे दिल आ गया क्यों सजना पे दिल आ गया जजेस और ऑडियंस ये एक नॉन कंपेटिटिव एक्ट था बहुत बढ़िया इट इज सो थ्रिलिंग एंड सो एंटरटेनिंग आई हैव नो वर्ड्स यू बोथ हैव डन अ मार्वेलस जॉब एंड डन फुल जस्टिस टू द सॉन्ग क्या बात है थैंक यू सो मच एक किस्सा सुनाता हूँ मैं सेहरा में जूनियर आर्टिस्ट था अभी वो बीकानेर में वहाँ गए थे पूरा यूनिट साथ में जाता था शांताराम जी संध्या जी मुमताज वो साइड हीरोइन देयर और हम मैं एकदम जूनियर आर्टिस्ट था टेरेस पे खाना खाते थे पूरा स्टाफ शांताराम जी संध्या ऐसे बैठते थे हम लोग इवन लाइट बॉयज स्पॉट बॉयज सब बैठते थे तो वो खाना परोसते हैं ना पत्ते में ऐसे दिया करते थे वो 8 बजे का टाइम होता था कि आप शूटिंग के बाद नहा धोके 8 बजे आके खाना खाना है सबने मैं कहीं आधा घंटा लेट हो गया होगा तो मुमताज की ग्रैंड मदर ने कहीं कंप्लेन कर दी ये लड़का घूमता रहता है इधर उधर मेरे बारे में तो शांताराम जी को ऐसी चाबी दी तो वो भड़क गए जैसे ही मैं आया है चलो इसको निकाल दो इसको बॉम्बे भेजो आपको इसकी शक्ल नहीं देखने की इतना गुस्सा मेरे को भी गुस्सा आया नौकरी एक्स्ट्रा की और रोब इतना बड़ा तो मैं वहाँ अपना बिस्तर होता था वो बेडिंग अपना ही लेके जाना पड़ता था तो मैं वहाँ के बैठा बहुत सोचा फिर मैंने मेरे घर के आसपास किसी के पास फ़ोन था मेरे फादर को फ़ोन किया अभी पंजाबी मैन यू नो हाउ दे टॉक डैडी को फ़ोन किया डैडी मैं आधा घंटा लेट आया मुझे सबके सामने इतनी डांट दिया बोला इसको निकाल दो वहाँ भेज दो तो मेरे फादर ने जो बोला दैट चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ उन्होंने बोला आ जा दादे मेरी गोद में आके बैठ जा मैं डर गया इधर निकाल रहे हैं वो उधर गाली पड़ रही है मैं जाऊं कहाँ तो सुबह 7 बजे शूटिंग पे निकलते थे सब तो मैंने मेकअप मैन को बोला मेरा मेकअप कर दे बोला नहीं नहीं हमको बोला तेरे मेकअप नहीं करना मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मैं संभाल लूँगा मैं 6 बजे मेकअप करके वो जो उनका जो जूनियर आर्टिस्ट का ड्रेस पहन के शांताराम जी कमरे बाहर खड़ा हो गया जैसे ही वो बाहर निकले चल चल
ऐसे खुश हो गए. उसके बाद मैंने चमचागिरी में कोई कसर नहीं छोड़ी. ऐसी चमचागिरी की, मुझे जो बोला वो किया. मुझे मुझे बोला संध्या का डुप्लीकेट, वो सब किया. अभी आप सुनने, किस्सा सुनने का ये है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, माँ बाप की गाली भी आपके लिए आशीर्वाद है. आज अगर मैं, मेरे फादर मुझे बोलते आजा बेटा, वो कोई नहीं लाड़ करते मेरा, और बोलते आजा बैठ जा, तो मैं ठेला भी नहीं लगा सकता था. सी द फेट, फादर की गाली का कितना आशीर्वाद था. क्या बात, मैं सबको बोलता अपने माँ बाप के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होना. वाह वाह वाह, कुछ होगा नहीं कभी जिंदगी में जब तक आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपको नहीं है. किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम. हाय राम, हाय राम. कुछ लिखा? हाँ. क्या लिखा? क्या लिखूं आगे? सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसकी हवाले, फिर छोड़ सितारे हुआ दीवाना. अच्छा, अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम. पहला घुमा, नया प्यार है नया इंतजार, कर दूं मैं क्या अपना,
है दिल बेकरार मेरे दिल बेकरार तू ही बता शोदा लता जी इट्स जस्ट अ मैजिकल पेयर और मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन उन गानों पर बड़ी हुई है एंड दे एवरग्रीन सॉन्ग्स वो कभी भी आप उन्हें प्ले कीजिए यू वी विल ऑलवेज हम एंड सिंग दोस सॉन्ग्स और आप दोनों मतलब माशाल्लाह क्या आपने गाया है यू वर जस्ट फैबुलस एंड फ्लॉलेस बोथ ऑफ यू ब्रिलियंट संजूति आप बहुत ही बेहतरीन सिंगर हो हर स्टाइल में परफेक्शन के साथ ही गाती हो इस मंच की गरिमा इससे बढ़ती है कि आप जैसे आर्टिस्ट हैं दोनों शिवम क्या आवाज़ है यार आपकी आपकी आवाज़ भारी यू गॉट लाइक द बैंडविड्थ इट्स इनक्रेडिबल थैंक यू सो मच फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़